मार्केट संवाद में आप सभी का स्वागत है। आज मैं लोकसभा चुनावी को लेकर देखा जाए बबीना विधानसभा के अंदर खड़ा हूँ। आज मैं ऐसे ग्राम के अंदर खड़ा हूँ जिस ग्राम का नाम है बमेर, जो कि बमेर के ग्रामवासी एकत्रित इस ग्राम के अंदर आप सभी देख सकते हो, युवा साथी मौजूद है, बूढ़े बुजुर्ग मौजूद हैं हमारे बीच में। ये ग्राम बमेर के अनेक लोग रोड के किनारे सभी लोग एकत्रित हैं एक नीम के पेड़ के पास। साथियों एक बार बता दूं, इन सभी से मेरा प्रश्न यही होगा कि आगामी लोकसभा को लेकर 29 अप्रैल को झांसी ललितपुर लोकसभा में जो वोट कर रहे हैं, जानते हैं कि इस बार ग्रामवासी मिलजुल कर कैसे सांसद को इस बार बना रहे हैं। आप सभी से एक एक से मिलवाऊंगा, उनका क्या है राय। भाई साहब नमस्कार। भाई साहब मैं जानना चाहता हूं आगामी लोकसभा को लेकर क्या है आपकी राय, कौन सी पार्टी किस पर रहेगी भारी। जी साहब, श्याम सुंदर पार्टी बढ़िया आदमी है, बहुत बढ़िया आदमी है और दादा बहुत नेक आदमी है, जिसमें जो है सभी के संग में अच्छा किया है। हर साल एक बहुत साल में अगले साल में बहुत सा खर्चा किया और फिर भी उनको टिकट नहीं मिला, इसलिए हम लोगों की इच्छा है कि सब उन्हीं को टिकट देना चाहते हैं और सब काम अच्छा करते हैं। किसको? श्याम सुंदर दादा। भाई साहब आपकी क्या राय है बताइए आप। बढ़िया राय है, समाजवादी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो पिछड़े वर्ग के लिए हमेशा अच्छा काम करती है और युवाओं के लिए भी बहुत अच्छा काम करती है, इसलिए हमारे लोगों को समाजवादी पार्टी को वोट देना चाहिए और जो अच्छा व्यक्ति है उसको उसके लिए टिकट का घोषणा करना चाहिए। ठीक है, हमारे बीच में और भी सज्जन खड़े हैं। दादाजी राम राम। राम राम। कहाँ नाम तुम? रणवीर सिंह। तो है चुनाव आ गए 29 अप्रैल को लोकसभा को। हाँ। जावार सांसद की बनने चाहिए आपकी नज़र से? हमारी नज़र में यही है, श्याम सुंदर दादा बहुत बढ़िया आदमी है। क्यों नाम ले रहे हो, क्या है उनकी क्वालिटी? इसलिए ले रहे हैं उनकी अच्छाई भलाई, अच्छे काम करते हैं, गरीबों की सहायता करते हैं, हर प्रकार से कहीं मिल जाते हैं, कचहरी वगैरह है तो गरीब आदमी की फौरन बात। आइए हमारे बीच में और भी युवा साथी, उनसे जानते हैं कि ग्राम के अंदर मूलभूत समस्या क्या है। भाई साहब नमस्कार, शुभ नाम क्या है आपका? भाई साहब जी जानना चाहता हूँ ग्राम के अंदर मूलभूत समस्याएं क्या क्या हैं आपकी। अभी काम चल रहे हैं, कुछ सड़कें मड़कें खराब पड़ी हैं और देश सबसे ज़्यादा बदलाव चाहता है। इस बार बदलाव की नज़र से कौन है आपकी नज़र में, कौन आना चाहिए? इस बार कांग्रेस आना चाहिए। कांग्रेस आना चाहिए, धन्यवाद। आपकी क्या राय है भाई साहब, इस बार कौन सी पार्टी आना चाहिए, कौन सांसद बनना चाहिए? चलो ठीक है, हमारे बीच में युवा साथी, भाई साहब नमस्कार, क्या नाम है आपका? अतुल। बदलाव की ज़रूरत इस बार लोकसभा में है क्या नहीं? बदलाव के हिसाब से अगर माना जाए तो अभी पार्टी जो हमारे यहाँ सांसद जी हैं जी उमा भारती जी, अभी तक की स्थिति में उन्होंने कोई ऐसा काम भी नहीं किया है, जिस दिन से चुनाव जीती हैं उस दिन से दोबारा कभी इस दौर पे आई नहीं है अभी तक के रिकॉर्ड में। अब माना जाए तो हमारे यहाँ तो अभी गठबंधन चल रहा है, उसी पर निर्भर है। तो गठबंधन में कौन है आपकी नज़र से बताइए आप? हमारे हिसाब से तो अब जैसे टिकट अलाउ होगा उसी पर निर्भर रहेंगे। अच्छा आपकी क्या राय है, आपकी क्या राय है भैया? हमारी ये राय है जो भी अच्छा काम करेगा उसी को वोट देंगे जी। हाँ, हमारे गांव में कुछ भी विकास नहीं हुआ है। क्या मानते हो इस बार सांसद किसको, कौन कौन सी पार्टी का होना चाहिए? जिसको टिकट अच्छा मिलेगा, जो भी बढ़िया आदमी होगा उसी को वोट देंगे। ऐसे गठबंधन भी है, कांग्रेस भी है, बीजेपी भी है, अनेक ऐसे दल जो चुनाव में भागीदारी ले रहे हैं, आपकी नज़र से कौन सटीक है? नहीं, हमारी नज़र से तो ये सही है, जो भी बढ़िया काम करेगा उसी को वोट देंगे। धन्यवाद। भाई साहब आपका क्या नाम है? धन्यवाद। आपकी बताइए क्या राय है? हमारी तो यही राय है दादा बनना है। कौन से दादा? श्याम सुंदर। ऐसी क्या क्वालिटी है, क्यों नाम ले रहा है उनका? वो बढ़िया नेक आदमी है और अच्छा काम करती हैं, किसी को सताती नहीं। तो गठबंधन इस बार। दादा जी आपका क्या नाम है? मानी सिंह जी। आप बताइए कि गाँव के अंदर क्या क्या समस्याएं हैं और इस बार सांसद किस व्यक्ति को आना चाहिए जो ग्राम वासियों की मदद कर सके? हमारी तो समझ यही है कि श्याम सुंदर दादा अगर आ जाए तो बहुत अच्छा काम करे। क्या है उनकी क्वालिटी की बताइए आप, क्यों उनका नाम ले रहे हो? एक इंसान है, उनके चाहे कितनी रात पहुंच जाओ दरवाजे के ऊपर तो उसी वक्त आपको मिलेंगे। दूसरी तरफ देखा जाए कांग्रेस भी अपने आप में दाव लड़ा रही है, बीजेपी भी इस बार दाव लड़ा रही है, ऐसे अनेक दल जो चुनाव के अंदर दाव लड़ा रही है, तो आप कौन सी पार्टी को पसंद कर रहे हो? हम तो अगर दादा को चुनाव मिला तो उसी को वोट देंगे अपने पूरे। दादाजी आपकी क्या राय? हमारी ये राय है कि भाजपा पंडित जी चली जाए, कि दादा बहुत नीत आदमी है और चाहे उन्हें चिट्ठी दिया तो घर कारज कश्मीर भी हो वे अवश्य आते हैं। और दूसरी बात, हम लोग मकान तक नहीं बना पाओ ये भाजपा में पुलिस काज बैठा दे, इसलिए दादा। धन्यवाद। आइए हमारे बीच में और भी युवा साथी है, उनसे जानते हैं उनकी क्या राय है इस बार लोकसभा को लेकर।
भैया नमस्ते, क्या नाम है आपका? दीपक जी बताइए, गांव के अंदर स्कूल वगैरह, सौभाग्य योजना, बिजली वगैरह, ऐसी अनेक योजनाएं हैं, उन सभी का ग्राम के अंदर लाभ मिला क्या? नहीं मिला है लाभ। क्या मानते हो इस बार भी लगे हैं जी घर घर, इस बार का लोकसभा को लेकर क्या मानते हो, कौन सा सांसद बनना चाहिए? दादाजी बनना चाहिए। कौन? दादा श्याम सुंदर जी। क्या क्वालिटी उनके, क्यों नाम ले रहे हो? बहुत अच्छे काम भी करते हैं वो, बहुत अच्छे इधर आते भी हैं और परखते हैं लोगों को। और भी हमारे बीच में साथी हैं, उनसे जानते हैं उनकी क्या है राय। आप भैया क्या नाम है आपका? हमारा नाम भानु कुमार है। आप बताइए क्या है आपकी राय? हमारी राय जैसे सब बढ़िया हो रहा है, काम तो बढ़िया। कौन सी पार्टी आना चाहिए लोकसभा में? देखो पार्टी तो जो अब पार्टी साथियों बता दूं मैं आपको, जो ग्राम है बमेर, जो कि बबीना विधानसभा का ऐसा ग्राम है, इसके अंदर अच्छी खासी वोटिंग है, सभी ग्राम वासियों से आप सभी से रूबरू कराई। आइए हमारे बीच में एक सज्जन और खड़े हैं, उनकी क्या राय है, जो कि आ चुके हैं हमारे बीच में। हाँ भाई क्या नाम है आपका? देखिए सर हमारा कहना ये है कि श्याम सुंदर ऐसे अच्छे आदमी हैं कि पहली बार जब प्यासे आदमी थे उन्होंने पानी के लिए टैंकर लगा दी थी, अच्छा विकास किया, जनता प्यासे मर रही थी तो पानी दिया। आज क्या हो रहा, कुछ नहीं मिला, लेकिन उनके लिए टिकट चाहना, चाहे वो भोजन समझ पाई दोनों गठबंधन है, लेकिन उनके लिए टिकट चाहना आपने जरूर लिया है। आइए हमारे बीच में एक सज्जन भाई साहब, नमस्कार। भाई साहब बताइए, आप बताइए, गांव के अंदर विकास को लेकर बात करते हैं और भी अनेक समस्याओं की बात करते, बताइए क्या क्या समस्या अभी? समस्याएं तो गाँव में किसी की पूरी नहीं हो सकती है, और हमारे यहाँ की गाँव की सड़कें भी मिट्टी डली हुई हैं, तो ये सरकार में जो है काम भी होना चाहिए। अब ये नहीं कि काम भी ना हो, सरकार बन जाए, ये सरकार 5 साल बन गई है, यहाँ पर प्रधान जी को जितना काम दिया जा रहा है वही कर पा रहे हैं, उसके आगे ना तो काम दिया जा रहा है, उनके लिए काम मिले तो गांव में काम कराएं। लोकसभा की बात कर रहे हैं, लोकसभा में क्या होना चाहिए? लोकसभा में हमारा यही विचार है, जो श्याम सुंदर दादा हैं उनका 5 साल पहले भी उनने कोशिश की थी, हर घर में कम्बल बंटवाए, हर गाँव में एक एक टैंकर भिजवाया पानी के लिए, और उनकी जो जिसे याद कर ले वो तो जो है वहाँ उनके पास पहुँच जाए, तो आधी रात में किसी भी चीज़ की ज़रूरत है तो वो पूर्ति करते हैं, उनकी दुख में दर्द में कोई भी पहुंच जाए तो वो हमेशा उनका समस्या सॉल्व करते हैं। दादा जी आप बताइए आपकी क्या राय है? अब हमें तो ये है कि हम बूढ़े ठेड़े हैं, लेकिन चल नहीं पा रहे, परेशान हैं। इस बार सांसद कौन बनना चाहिए आपकी नज़र से? सांसद तो बनना चाहिए हाथी, हाथी हाथी बनेगा। साथ ही एक बार फिर बता दूं, इस ग्राम का नाम है बमेर, जो कि बबीना विधानसभा के अंदर ये ग्राम आता है बमेर, जो कि सभी से आप सभी को वार्तालाप कराई, सभी का कहना है अलग अलग, तो एक सज्जन हमारे बीच में मिले जो कांग्रेस का भी नाम ले रहा है। साथ ही एक बात मैं और कहना चाह रहा हूँ, मार्केट संवाद की टीम के द्वारा देखा जाए लोकसभा 29 अप्रैल को चुनाव गिर रहे हैं, और इसके साथ साथ जो उसका निर्णय 30 मई को निकलने वाला है वो तो वक्त ही बताएगा, आखिरकार लोकसभा के अंदर कौन सी पार्टी विजय ले जाएगी, आखिरकार किसकी सरकार आएगी, कौन सांसद झांसी लैथपुर सीट से बनेगा। कैमरामैन संतोष के साथ देवेंद्र कुमार संवाददाता, मार्केट संवाद झांसी।